हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन कौन सी दवाइयाँ हमारे कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल को अफेक्ट कर सकती है या शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा सकती हैं। ये सारी ही ऐसी दवाइयाँ हैं जो अलग अलग बीमारियों के लिए दी जाती है, लेकिन यदि ये दवाइयाँ प्रॉपर ध्यान दे के नहीं दी जाए तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकती है। ज़्यादातर ये दवाइयाँ जब तक आप इनको ले रहे हैं आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल को बिगाड़ सकती है। लॉन्ग टर्म परमानेंट डैमेज यूजली नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन बारे में आपको जानना समझना ज़रूरी है और ज़रूरत पड़े तो आपके डॉक्टर के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये दवाई से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल बिगड़ सकता है तो क्या चेंजेस की ज़रूरत है, क्या दवाई की ज़रूरत है, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत है और खाने पीने में क्या चेंजेस की ज़रूरत है ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल लॉन्ग टर्म ना बिगड़े और लॉन्ग टर्म आपको साइड इफेक्ट्स ना हो। इसलिए इस लिस्ट को या दवाओं के बारे में जानना आवश्यक है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ब्लड प्रेशर के लिए प्रयोग की जाने वाली कुछ दवाइयाँ, खासकर थायराइड डायरेटिक्स जो कि काफ़ी कॉमनली ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को दिया जाता है, काफ़ी कॉम्बिनेशंस में भी ये अवेलेबल है। कई ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन में ये दवाई पेशाब बढ़ाने के हिसाब से ये काम करती है, पेशाब शरीर का बढ़ाती है, सोडियम लेवल शरीर का कम करती है, तो इस हिसाब से ये आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए दी जाती है। लेकिन इन दवाइयों के प्रयोग से आपका LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बढ़ सकता है। लंबे समय तक इस दवाई को लेने से आपको नुकसान हो सकता है, तो यदि ये दवाई चल रही है तो आपको डॉक्टरों के साथ आपको डिस्कस करना चाहिए। इसी तरह से बीटा ब्लॉकर्स जो कि हार्ट फेलियर के लिए दिया जाता है, गति के प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स को दिया जाता है और अलग अलग तरह के ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है, रिदम डिसऑर्डर्स के पेशेंट में दिया जाता है, माइग्रेन के पेशेंट में दिया जाता है। ये बीटा ब्लॉकर्स के प्रयोग से भी शुगर लेवल कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, इससे ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ सकता है और HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है। तो बीटा ब्लॉकर्स, खासकर जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है जैसे कि प्रोपेनलॉल और एटेनलॉल, ये आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए अच्छे नहीं है, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा डिप्रेशन के लिए प्रयोग होने वाली दवा जैसे कि एमिट्रिप्टेलिन जो कि काफ़ी कॉमनली हेडेक के लिए और डिप्रेशन के लिए प्रयोग की जाती है, और सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स, ये दवाई भी आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी LDL लेवल्स को बढ़ा सकती है, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा सकती है, तो ये दवाई भी आपके कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी नहीं है। जिन लोगों को भी डिप्रेशन के लिए दवाई चल रही है तो उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये दवाई आपका कंट्रोल बिगाड़ सकती है और आपको लंबे समय में कोलेस्ट्रॉल की दवा की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा इम्यूनिटी कम करने के लिए दवा साइक्रोस्पोरिन और टैक्रोलिमस जो कि कैंसर के पेशेंट में दिया जाता है, इम्यून रिलेटेड डिजीज के पेशेंट में दिया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को दिया जाता है ताकि उनका ऑर्गन रिजेक्शन नहीं हो जाए या ऑर्गन इम्यूनिटी की वजह से डैमेज ना हो जाए। ये इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन भी आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल को बिगाड़ सकती है। तो साइक्लोस्पोरिन और टैक्लोमस वैसे तो टॉक्सिक मेडिसिन है, कम समय के लिए दी जाती है, बहुत सिलेक्टेड केसेस में ही दी जाती है, लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में जिनका पहले लिवर या किडनी या हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ है वैसे पेशेंट में काफ़ी लंबे समय तक इनको देना भी पड़ता है, तो ये मेडिसिन आपकी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल को बिगाड़ सकती है। इसके अलावा कुछ हार्मोन सप्लीमेंट्स हैं जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो प्रेगनेंसी के कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो कि महीना आना जब फीमेल्स को बंद हो जाता है, मीनोपॉज हो जाता है, उस समय दिया जाता है ताकि उनको हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, उनको हॉट फ्लैशेज या रिएक्शन या चिड़चिड़ापन वगैरह ना हो, उस समय दिया जाता है, तो ये दवाई भी आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल को बिगाड़ सकती है। ये जानना आवश्यक है क्योंकि कई बार क्या है, ये दवाइयाँ लंबे समय तक चालू रहती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कई कई साल चालू रहती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कई कई साल चालू रहती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बिगाड़ सकती है। तो आपको ये सजग रहना जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल बिगड़ सकता है और एटलीस्ट जांच तो कराते रहिए, क्योंकि हो सकता है आपका बेसलाइन कोलेस्ट्रॉल ठीक हो, दवा लेने के बाद अगर बिगड़ता है तो आप उसको पहले से करेक्ट कर सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ना करें, ब्लॉकेजेस वगैरह ना करें। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम्स या अलग अलग तरह के सूजन रिलेटेड बीमारियों में दिया जाता है, इनफैक्ट बहुत सारी बीमारियों में ये रामबाण दवा की तरह काम करता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ब्रेन से रिलेटेड बीमारियाँ या इन्फ्लेमेशन रिलेटेड ब्रेन की भी प्रॉब्लम्स में भी इसको काफ़ी जगह दिया जाता है, तो ये बीमारी के लिए काफ़ी जो उपयोगी दवा है स्टेरॉइड्स, वो आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल को बिगाड़ सकती है। लंबे समय तक अगर इसको आप देते हैं तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ सकता है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है। कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो केस टू केस वेरी करता है, कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म भी इससे प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ये दवाई लंबे समय तक जिनको चलती है तो ध्यान देना ज़रूरी है। इसके अलावा एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन जो HIV एड्स के लिए प्रयोग किया जाता है, उस मेडिसिन में खासकर जो प्रोटीएज इनहिबिटर मेडिसिन है उससे लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो HIV की मेडिसिन जब आपको चल रही है एड्स के लिए उस पेशेंट्स में भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि उससे भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल बिगड़ सकता है। इसके अलावा बॉडी की हेल्थ बढ़ाने के लिए, तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दिया जाता है,
एनाबोलिक स्टेरॉइड्स आपकी मसल वगैरह बढ़ाने के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए काफ़ी लोग देते हैं। जिनका वजन बहुत ज़्यादा कम हो उनका वजन बढ़ाने के लिए भी दिया जाता है। इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिगड़ सकता है और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को अनफेवरेबली इफेक्ट करता है। लंबे समय तक एथलीट्स वगैरह जो इसको लेते हैं उनको ब्लॉकेजेस वगैरह इस वजह से बिगड़ने का चांस रहता है, तो उनको रेगुलरली अपने लेवल्स को चेक कराना ज़रूरी है। इसके अलावा प्रोजेस्टिन्स जो हैं, जो कई बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में प्रोजेस्टेरॉन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ये भी आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बिगाड़ सकते हैं। एक्ने के पेशेंट्स में दिया जाने वाला आइसोरेटिनोइन जो मेडिसिन है वो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और खासकर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स के लिए अच्छा नहीं है। आइसोरेटिनोइन एक्ने स्किन का एक प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी कॉमनली दिया जाता है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ एंटी साइकोटिक मेडिसिन जो पागलपने वाले पेशेंट्स में ओलांजेपिन या क्लोजापिन करके दवाई दी जाती है, ये भी आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बिगाड़ सकती है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा सकती है, तो इस बारे में भी जानना समझना ज़रूरी है। साइकेट्रिक पेशेंट्स को ये काफ़ी समय तक दी जाती है, तो ये दवाई आपके कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी नहीं है। हेपेटाइटिस सी और एचआईवी के लिए यूज़ की जाने वाली प्रोटीज इनहिबिटर्स, ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए अच्छी है नहीं है, काफ़ी कॉमनली है वायरस की बीमारियों को मारने के लिए या वायरस के इन्फेक्शन को कम करने के लिए दी जाती है। हेपेटाइटिस सी में भी प्रयोग होता है प्रोटीज इनहिबिटर्स का, तो इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल बिगड़ सकता है। और लास्ट में कुछ मिर्गी की मेडिसिन जैसे कि वैल्प्रोइक एसिड, जो कि मिर्गी के लिए यूज़ होने वाली सबसे कॉमन दवाइयों में से एक है, इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल लंबे समय तक दिया जाए तो बिगड़ सकता है। तो इन दवाइयों की लिस्ट को जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार बिना इस बात का ध्यान रखे अगर मेडिसिन चालू कर दी जाती है, तो मैं ऐसा नहीं कहता कि हर पेशेंट में मेडिसिन को बंद कर देना चाहिए या हर पेशेंट में मेडिसिन को देना ही नहीं चाहिए, पर यदि व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल का ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को ऑलरेडी इस तरह का प्रॉब्लम है कि उसको कोलेस्ट्रॉल की दवा चल रही है, तो उसको शायद डोज बढ़ाना पड़े, लाइफस्टाइल चेंजेस बढ़ाना पड़े, खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना पड़े, एक्सरसाइज ज़्यादा करना पड़े, ताकि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल में रहे। ये दवाई लंबे समय तक अगर वो लेता रहे और कोलेस्ट्रॉल की जाँच भी ना कराए, तो फिर उसको ज़्यादा समय में प्रॉब्लम होने का अंदेशा है, उसको लॉन्ग टर्म कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस है। और अगर इग्नोर करता है तो कई सालों के बाद ब्लॉकेजेस वगैरह होने का, हार्ट अटैक्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए ये सब दवाइयाँ जब आपको चालू होती है, तो अगर डॉक्टर ने आपको पहले से नहीं बताया है तो आपको डॉक्टर के साथ खुद पूछने की ज़रूरत है कि ये दवाई चालू है इससे ऐसा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल बिगड़ सकता है, तो मैं क्या करूं? क्या पहले से कोलेस्ट्रॉल की स्टैटिंस चालू कर दूं या कुछ और चेंजेस करूं? वो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स या नुकसान कम होगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।